ओके okay, आगे बढ़ते हैं द कैंपेन ग्रेटेस्ट सक्सेस हैज़ बीन टू बैन द मैन्युफैक्चरर स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्ड ऑफ गुटका तो जो कैंपेन था इसका सबसे ग्रेटेस्ट सक्सेस अगर हम माने तो ये जो चीज़ थी कि हैज़ बीन टू द बैन अब एक समय आपने शायद न्यूज़ में भी सुना होगा कि नहीं आई डोंट नो बट एक समय ऐसा भी था जब न्यूज़ में ये भी बताया जा रहा था कि जो लोग गुटखा बना रहे हैं या उनके मैन्युफैक्चरर्स हैं हम कहें और उनको स्टोरेज दे रहे हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए हैं ये सारे लोगों को या जो सेल कर रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया था उनको बैन किया गया था तो बैन का हिंदी मीनिंग होता है प्रतिबंध लगाना राइट अ फॉर्म ऑफ चुइंग टबैको कॉमनली कंज्यूम्ड इन इंडिया और ये इतना कॉमनली प्रोडक्ट uh, है बिच इज़ कंज्यूम्ड इन इंडिया बाय द एडल्ट ऑफ़ आवर कंट्री और वी कैन से बाय द यंगस्टर्स ऑफ अवर कंट्री आप अगर देखें तो कुछ यंगस्टर्स भी इसको चीव करते हैं एडल्ट के साथ साथ तो ये हमारे जो यूथ है उसको जो है पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं ख़राब कर रहे हैं फिज़िकली मेंटली तो इन चीज़ से अपने यूथ को बचाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग थी कि टोबैको चुइंग के लिए जो जिम्मेदार हैं उनके मैन्युफैक्चरर उनके स्टोरेज डिपार्टमेंट uh, से रिलेटेड पीपल उनके डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए लोग एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पर्सन द सेल्स पर्सन सबको क्या किया जाए बैन किया जाए the opportunity to advocate for the gutka ban arose with the food safety and standards act of 2011 under which the central government prohibited the use of tobacco and the nicotines as ingredients in any food product so ye act to jo, jo ek act aaya, food safety and standard act एट टू थाउजेंड टू थाउजेंड एलेवन में ये एक्ट आया यहाँ पे जो एक अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस तरीके के एक्ट को चलाया और मतलब एक्ट ला, को लागू किया एक्चुअली इसमें क्या था कि किसी भी फूड प्रोडक्ट में निकोटिन टबैको जैसे इंग्रेडिएंट्स को नहीं मिलाना है बिकॉज इट इज़ हज़ारडियस फॉर द हेल्थ ऑफ द कॉमन पीपल ओके कुका इज क्रश्ड प्रिपरेशन ऑफ टुबैको एंड पान मसाला अ मिक्सचर ऑफ एरिया अ मिक्सचर ऑफ एरेका और बीटेल नेट शुगर स्पाइसेस एंड परफ्यूम तो गुटका आप लोग देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है या इंग्रेडिएंट्स हम बोलते हैं हर प्रोडक्ट के पीछे उसका इंग्रेडिएंट दिया जाता है तो गुटका जो है इंग्रेडिएंट्स उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं तो बेसिकली टबैको, पान मसाला ओके okay, अरेका या बिटल नट्स का होता है शुगर स्पाइसेस एंड परफ्यूम होते हैं राइट तो अगर हम टबैको, पान मसाला को न, अगर हटा दें तो उसमें बाकी चीजें हमको सही दिख रही है लेकिन जो बाकी हज़ारडियज या हेल्थ uh, को बहुत ही हेम्पर करेंगी वो सारी जो चीज़ें हैं ये दो चीज़ें बहुत ही नुकसान करेंगी बहुत ही हेम्पर करेंगी हेल्थ को तो इन चीज़ों को हटाना बहुत ज़रूरी है बट स्टिल वी आर सींगट नाओ डेज ऑल्सो पीपल आर कंज्यूमिंग गुटका दिस इज सो सैड फॉर लिसनिंग एंड लुकिंग फॉर दिस थिंग बट स्टिल Uh, India is working on it and now youth understand I hope और वो आगे जागरूक होंगे they will aware about these things और इन सभी चीज़ों से दूर रहेंगे आगे हम lesson में चलते हैं under the FSSA gutka can be categorized as a food product and therefore should not contain substance injuries to health like tobacco तो डर द एफ एस एस ए सो द फुल फॉर्म ऑफ एफ एस एस ए तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि एफ एस एस ए का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट और ये एक्ट जो बना था टू थाउजेंड इलेवन में बना था राइट तो एफ एस एस ए के अनुसार जो क्या हुआ था गुटका कैन भी कैटेगराइज एज अ फूड प्रोडक्ट उसको एज अ फूड प्रोडक्ट लिया जा सकता था क्योंकि इट इज़ अ प्रिप्रेशन ऑफ अरिका मीन्स बीटल नट्स शुगर स्पाइस एंड परफ्यूम यहाँ पर टबैको जो है वो शायद नहीं था बट uh, अभी तक जो uh, बताया जा रहा है कि जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स और दीज इग्रीडियंट्स एफ एस एस ए का मानना था कि इस चीज़ को यानी गुटके को वो क्या ले सकते थे एक फूड uh, प्रोडक्ट में ले सकते थे एंड देर पो शुड नॉट कंटेन सब्सटेंस इंजीरियस टू हेल्थ लाइक टबैको क्योंकि यहाँ टबैको जैसी इंजूरियस करने वाली जो हेल्थ टोबैको जैसी हेल्थ इंजूरियस एलिमेंट्स या इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं थे अकॉर्डिंग टू एफ एस एस ए राइट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एफ एस एस ए लाइज विद द

उन्होंने जो भी नियम लागू किए थे राइट वो हेल्थ मिनिस्ट्री हर स्टेट के हेल्थ मिनिस्ट्री में ये चीज़ें लागू हुई थी और हर स्टेट में सेम जो है रूल्स एंड रेगुलेशन इन गुटखा और टबैको कंजम्पन के लिए इवन उनके मैन्युफैक्चरर से लेकर के उनकी सेलिंग तक के लिए सेम रूल्स एंड रेगुलेशन थे और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने ये बताई कि मध्य प्रदेश जो है फर्स्ट इंडियन स्टेट टू बैन गुटका ठीक है ये इंफॉर्मेशन जो दे रहे थे वो मिस्टर चतुर्वेदी दे रहे थे विद द सपोर्ट ऑफ डॉक्टर विद द सपोर्ट ऑफ विद द सपोर्ट ऑफ अदर डॉक्टर्स एंड कैंसर सर्वाइवर्स ही लॉन्च सिमिलर कैंपेन्स एंड फाइल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लेजि फाइल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज तो यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ और ऐड करी कि विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्पेशलिस्ट एंड डॉक्टर्स एंड कैंसर सर्वाइवर्स ही लॉन्च सो मेनी सिमिलर टू सर्वाइव या हम कह सकते हैं फॉर द फ्रॉम द विक्टिम ऑफ कैंसर राइट तो इन किस लिए किया गया था जस्ट फॉर द सेक ऑफ द फ इंडिया ये किया गया था सो दैट द टबैको कंजम्पन शुड बी कंट्रोल है ना और उन्होंने बहुत सारे क्या है पब्लिक लिटिगेश को फाइल किया इन डिफरेंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में दिस मंथ कर्नाटका बिकम द लास्ट इंडियन स्टेट टू मेक द मैनुफेक्चर एंड सेल ऑफ गुटका इलीगल तो उसी ईयर की वो बात बता रहे हैं अराउंड 2012 की बात बता रहे हैं कर्नाटका वॉज द लास्ट स्टेट जहां पर उसके मैन्यक्चरिंग मैनुफैक्चरिंग uh, पर और साथ ही साथ उसके सेलिंग पर भी बैन लग गया था ओके द बैन इफेक्ट द बैंस इफेक्ट ऑन स्टॉपिंग इंडियंस फ्राम चिंग टबैको इज लिमिटेड प्योर चिंग टबैको एंड पान मसाला कंटिन्यू टू बी सोल्ड एज टू सेपरेट पैकेट दैट

टबैको चू करने के लिए थोड़ा लिमिटेड कर दिया था बट स्टिल वहाँ पे भी इंडियंस ने क्या कर लिया था एक नया रास्ता निकाला था और वो किस तरीके से करते थे उन्होंने प्योर चुंग टबैको मतलब प्योरली जो टबैको चुंग स्टार्ट कर दी थी या उसको जो है पान मसाला के साथ खाना स्टार्ट कर दिया था अब वो लाइन के साथ न खा करके उसको पान मसाले के साथ खा रहे थे एंड दिस बोथ थिंग्स आर सोल्ड इन डिफरेंट पैकेट्स टू डिफरेंट पैकेट्स एंड द यूजर्स व्हाट दे यूज टू डू दे मिक्स बोथ द पैकेट्स एंड देन दे कंज्यूम तो इस तरीके से मिस्टर चतुर्वेदी बता रहे हैं कि हाउ वी आर प्रैक्टिसिंग एंड वी आर स्ट्रगलिंग

वो तुरंत तुरंत चीज़ें नहीं होती तो सेम एज ए ही नॉर्मल पीपल सारे नॉर्मल पीपल के साथ होता है कि कोई व्यक्ति है आ, या हम कह सकते कोई पर्सन है वो कई समय से या फॉर अ लॉन्ग टाइम ही कंज्यूमिंग टोबैको और समथिंग सच काइंड ऑफ थिंग तो उसके लिए अचानक चीज़ों को बैन कर देना या स्टॉप कर देना इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम तो ये सिचुएशन जो थी वो नॉर्मल इंडियन पीपल के बीच हो रही थी या उनमें हो रही थी तो उन्होंने दूसरा रास्ता निकाला था कि अब टबैको को लाइन के साथ मिक्स करके नहीं खा रहे थे अब वो क्या चीज़ खा रहे थे टो और गुटका जो होता है या पान मसाला हम कह सकते हैं उन जो दो डिफरेंट पैकेट्स में मिलते थे उनको मिक्स करके फिर वो खा रहे थे ये स्टेटमेंट किसने दिया था मिस्टर चतुर्वेदी ने दिया था बट दिस बैन हैजन वाइड स्प्रेड अटेंशन वाइड स्प्रेड अटेंशन मतलब एक बहुत फैलाव में लोग क्या हो गए थे अटेंटिव हो गए थे चीज़ों के बारे में अवेयर हो गए थे है ना तो यहाँ पे जो पब्लिक थी वो क्या हो गई थी वो इन चीज़ों के बारे में अवेयर हो गई थी और इस बैन ने लोगों का अटेंशन जो है वो ग्रैब किया था तो आगे रीड करते हैं कि बट बट दिस बैन हैज ड्रॉन वाइड स्प्रेड अटेंशन टू द पब्लिक हेल्थ एपिडेमिक टोबैको हैज कॉस्डिल इट वाज बैन गुटका वाज मार्केटेड एज अ माउथ फ्रेशनर टू टारगेट यूथ ही एडड और अगेन वो ऐड करते हैं कि जैसे कि उन्होंने बताया कि नाउ दिस बैन ज ड्रॉन अ वाइड स्प्रेड अटेंशन टू द पब्लिक हेल्थ एपिडेमिक टोबैको हैज कॉस्ट तो यहाँ पे जब तक ये बैंड हो रहा था उसी समय गुट का स्टार्टेड मार्केटिंग एज अ माउथ फ्रेशनर टू टारगेट द यूथ है न इन द वेस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र द बैन ऑफ गुटका हैज़ बीन मोर इफेक्टिव दैन इन अदर स्टेट बिकॉज ऑफ द मैन्यूफेक्चर एंड सेल ऑफ पान मसाला हैज़ ऑल्सो बीन प्रोविटेड जुलाई टू थाउजेंड ट्वेल्व ओके अगर uh, बात करें तो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में हम महाराष्ट्र इंडियन के वेस्टर्न पार्ट की बात करें महाराष्ट्र में क्या हुआ था यहाँ पे गुटका का जो बैन था वो बहुत ही इफेक्टिव वे में पाया गया था जस्ट बिकॉज द मैनुफैक्चर एंड द सेल ऑफ पान मसाला हैज़ ऑल्सो बीन प्रोहिबिटेड क्योंकि टू थाउजेंड ट्वेल्व में जो एक प्रकार का बैन शुरू किया गया था तो उसको ही आगे इम्प्लीमेंट किया गया और महाराष्ट्र में गुटका उस समय ऑल ओवर इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया के वेस्ट पार्ट को देखें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बैन हुआ था गुटका in maharashtra, manufacturing units of gutka and pan masala have been closed and the state government has seized 16 crore rupees worth of tobacco products more than all other states combined. said mahesh jagade, commissioner of the food and drug administration in maharashtra. now this is the information given by mahesh jagade, who was the commissioner of the food and drug administration in maharashtra at that time he told that at that time maharashtra manufacturing unit of gutka and pan masala have been closed and the state government seized uh, uh, 16 crore rupees kitna 16 crore rupee ko crore ke tobacco product ko seize kar diya tha there are no figures for the decrease in the consumption yet but the general

इट हैज़ बीन डिक्रीज सम हाउ वो कहीं ना कहीं इस गुटके का जो कह सकते हैं सेवन या कंजम्शन की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कम हुआ है आगे देखते हैं हव बाउंड्रीज बिटवीन इंडियन स्टेट्स आर पोर्ट्स एंड पान मसालाज दैट इज मैनुफैक्चर इन अदर स्टेट कैन इलीगली बी ब्रॉट इन टू महाराष्ट्रे एडेड जागड़े जी ने आगे ऐड करते हुए कहा कि हाउ एवर इट इज ओनली बैंड इन महाराष्ट्र बाई द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र बट क्या हुआ था कि अब दूसरे स्टेट से इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करके मंगाया जा रहा था राइट हाउर तो ये बताया गया था कि अब दूसरे स्टेट से इन चीज़ों को जो है वो मंगाया जा रहा था द महाराष्ट्र एफ डी ए मस्ट ऑल्सो सबमिट अ रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट ईच ईयर टू रीन्यू द बैन ऑन पान मसाला एफ डी ए का फुल फॉर्म होता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तो यहाँ जो महाराष्ट्र एफ डी ए था उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करने को कही थी जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को हर साल उस पान मसाले के बैन पर जो रीन्यू होता है उसको उस रिपोर्ट को सबमिट करना था और अभी तक कंजम्पशन कितना कम हुआ है और सोसाइटी में कितने कस्टमर हैं कितने कस्टमर कम हुए सारी डिटेल्स उस रिपोर्ट में मांगी गई थी दिस इज़ बिकॉज इट इज़ बैंड अंडर अ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द एफ एस एस ए देन द वन दैट बैंस गुड का ये बस इसीलिए हुआ था क्योंकि एफ एस एस ए में ये जो है डिफरेंट सेक्शन के अंडर इसको बैन किया गया था राइट right? पान मसाला हैज़ एडिक्टिव एंड कैरकिनोजेनिक प्रॉपर्टीज इट सेल्फ बट इट इज़ प्रोहिबिटेड बिकॉज इट्स मैग्नीशियम कार्बोनेट कंटेंट इज अबव द प्रमिशल लेवल यहाँ बताया जा रहा है कि जो पान मसाला है उसमें एडिक्टिव प्रॉपर्टी पाई जा रही थी है ना और साथ ही साथ उसमें जो मैग्नीशियम कार्बोनेट जो एलिमेंट पाया जा रहा था वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा था आपने बीच में सुना होगा कुछ और प्रोडक्ट्स के बारे में अगर टोबैको से हट के बात करें तो बीच में मैगी को भी बैन कर दिया गया था राइट और सबसे बड़ी बात जो हम कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं स्पेशली लिपस्टिक बीच में एक खबर और आई थी या अगर आप कहीं पढ़ सकें तो स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको जो लिपस्टिक को अप्लाई करने के लिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड उनको क्या कहा जाता है कि वो थोड़ा इस चीज़ से रुके क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं लेड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है जिससे कि उनकी हेल्थ को और अपकमिंग बेबी को भी उसकी हेल्थ को भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई, 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 कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो आधा दिन अगर पान मसाला की भी बात करें तो ये जो इनिशिएटिव्स रहते हैं वो सोसाइटी में डिफरेंट एन द्वारा लिए जाते हैं ताकि उनको हेल्थ के लिए अवेयर किया जा सके कोई क्योंकि कोई भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा कंजम्पशन वो ठीक नहीं है राइट The food commissioner needs to demonstrate annually if the amount of magnesium carbonate is above the permissible level. The state ban on the state ban on pan masala is up for renewal for July 19. तो यहाँ पे जो state है महाराष्ट्र की बात चल रही है तो यहाँ पे pan masala को ban कर दिया गया था और फिर से उस ban को renew करने की date क्या थी July. many children are as younger as 12 when first exposed to gutka and pan masala they don't even know what cancer is and by the time they realize it it is bad for देयर हेल्थ दे कैन स्टॉप सेट मिस्टर चतुर्वेदी तो बिल्कुल मिस्टर चतुर्वेदी वही बात कर रहे हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले करी कि आप उस एज में हैं राइट ट्वेल्व टू थर्टीन की एज में हैं या 14, फिफ्टीन की एज में होंगे यहाँ पे आप क्या है एक्सपोज हो रहे हैं डिफरेंट चीज़ों से अपने आप अपनी चीज़ों को या खुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं या इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगी उसी एग्जाम्पल को लेते हुए यहाँ पे मिस्टर चतुर्वेदी कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो 12 टू 14 इयर्स के थे वो एक्सपोज हुए इन गुटका पान मसाला से और गुटका पान मसाला से एंड दे स्टार्टेड टेकिंग और कंज्यूमिंग सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हियर एट दैट टाइम दे वर नॉट अवेयर अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस थिंग एंड द कैंसर डिसीज सबसे इंपॉर्टेंट बात थी है ना कि वो कैंसर डिज के बारे में भी नहीं जानते थे नाउ वंस विद कैंसर इवन इफ अ पेशेंट स्टॉप स्विंग डैमेज इज इिवर्सिबल ही एडेड यहाँ पे डॉक्टर चतुर्वेदी ने बताया कि अगर एक बार है ना इफ द पर्सन इज डायग्नोस्ड वंस विद कैंसर एक बार कैंसर से अगर वो डायग्नोस कर लिए जाते हैं तो अगर आगे चलकर इन फ्यूचर वो टबैको चिविंग को रोक भी देते हैं देन ऑल्सो उनके जो दे, उनके जो जेनेटिक डैमेज हैं वो कभी भी इरिवर्सिबल नहीं हो सकते पेशेंट स्ट्रीम इन टू क्लिनिक देर फेसेस डिस्फिगर्ड एंड स्टिचेस रनिंग फ्राम लिप्स टू नेक हैव हैड पार्ट फॉर ऑल द टंग रिमूव्ड एंड कैन बेली स्पीक ये बहुत ही जो लाइन द लाइन आई एम रीडिंग ये जो लाइन है बहुत ही खत मतलब दिल को दहला देने वाली लाइन है हॉरिफाइंग लाइन है इस लाइन का मीनिंग आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स दिख रहे हैं कैंसर विक्टिम दिख रहे हैं यही ऐसे ही कई सारे कैंसर विक्टिम जो थे उनके क्लिनिक में आते थे जिनके जो फेस हैं वो डिसफिगर्ड हो जाते थे क्योंकि उनके फेस का बहुत सारा भाग जो है काट के अलग कर दिया जाता था बहुत सारी रनिंग स्टिचेस हैं उनके फेसेस पे देखी जा सकती थी और कई बार उनके फेसेस पे जो रनिंग स्टिचेस हैं फ्रॉम द लिप्स टू नेक देखी जा सकती थी जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एंड कैन सी दैट हाउ हॉरीफाइंग दिस इज राइट सो आई रिक्वेस्ट all of you not to consume these things, especially boys, right? Uh, खैर लड़कियाँ तो अभी इन चीज़ों से दूर रहती हैं but specially boys, uh, I request you all कि आप इन चीज़ों से अपनी दूरियाँ बनाए रखें right? Okay. Uh, many have had part or all the tongue removed and can barely speak. और कई तो ऐसे patient भी होते हैं जिनकी टंग को पूरी तरीके से निकाल दिया जाता है और उनको बात करने में बहुत मुश्किलें आती हैं एंड दे बेली टॉक वो बहुत कम बोल पाते हैं प्रदीप कुमार शर्मा अ फिफ्टी टू ओल्ड कोल फील्ड वर्कर फ्रॉम मध्य प्रदेश हैज़ बीन कंज्यूमिंग लिक्विड थ्रू अ ट्यूब इन हिज नो सिंस मार्च अ पैच ऑफ फ्लैश द साइज ऑफ गोल्फ बॉल वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज थाई टू रिप्लेस कैंसरस सेल्स इन हिज चेक अब एक और एक बैड न्यूज़ या एक बैड दुर्घटना हम बोल सकते हैं उन्होंने बताई या एक बैड सिचुएशन बताई एक पेशेंट के बारे में अब पेशेंट नेम प्रदीप कुमार एंड ही वॉज कोल्ड फील्ड एम्प्लॉय एंड ही वॉज़ फिफ्टी टू ओल्ड यहाँ पर उनको क्या सिचुएशन सामना करना पड़ा ही वॉज द कैंसर सर्वाइवर उन वो ही वॉज द कैंसर सर्वाइवर अब ये देखा गया कि उनकी नोज से एक पाइप को या ट्यूब को डाला गया था और आ, लास्ट मार्च से उनको लिक्विड के थ्रू ही लाइफ सेविंग आ, न, उनकी के जा रही थी हम कह सकते हैं और इस तरीके से वो ज़िंदा थे और लगभग काफ़ी समय हो चुका था कि वो अपने मुंह से खाना नहीं खा पा रहे थे बिकॉज उनके एक जो पार्ट है आ, हम कह सकते हैं मुंह का एक पार्ट है उसको अलग कर दिया गया था और उस चीज़ को हील करने के लिए क्या किया गया था उनके आ, जो थाइज़ है उसमें से कुछ स्किन कुछ मसल्स को निकाल कर थाइज पार्ट कौन सा था ये पार्ट जो होता है, है ना ये पार्ट होता है तो उनके थाइज़ में से कुछ मसल्स कुछ स्किन को ला करके इस जगह को रिप्लेस करने की या हाइड करने की या हील करने की कोशिश की जा रही थी जिससे कि वो जो कैंसरस सेल है उनको हटाया जा सके तो सोचिए कि कितना पेनफुल रहा होगा उस पर्सन के लिए भी साथ ही साथ उस फैमिली के लिए भी सो ही इज़ इन लॉट ऑफ पेन वो बहुत दर्द में थे बट हिज चिल्ड्रेन एंड आई आर इवन मोर पेन तो यहाँ पे कौन बता रहा है ही मतलब है जो पेशेंट मिस्टर प्रदीप कुमार शर्मा आए जो हैं वो उनकी वाइफ हैं और वो बता रही हैं कि वो तो खुद इतने पेन में थे लेकिन जो बच्चे हैं और स्वयं उनकी वाइफ ठीक है सेल्फ हर वाइफ जो है वो उनसे भी ज़्यादा दर्द से गुजर रही थी दे यूज़ टू बेग हिम

शनूर सिरवई एंड शी इज़ अ फ्री लेंसर राइटर नाउ चलिए चलते हैं हम वर्ड मीनिंग्स की तरफ एंड उन वर्ड मीनिंग्स को जानने की कोशिश करते हैं सो बेसिकली दिस लेसन इज अवेयरनेस लेसन विच ट्राइज टू अवेयर अस अबाउट अवर हेल्थ इन हाइजीन बोथ थिंग्स एंड सच बेड एग्जाम्पल्स हम कह सकते हैं बैड इन देंस एग्जाम्पल्स वेर राइट बट जिस तरीके से बताया गया इट वॉज सो टचिंग है ना बहुत मर्मस्पर्शी थे सो आई फील रियली बैड फॉर द फॉर द पीपल हु आर द विक्टिम ऑफ कैंसर ठीक है हम आगे बढ़ते हैं मीनिंग्स की तरफ मीनिंग फर्स्ट वर्ड यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दैट इज लम्प लम्प का वर्ड मीनिंग है स्मॉल हार्ड स्वेलिंग स्वेलिंग का मतलब सूजन होता है राइट तो हम आ, किसकी बात करते हैं जैसे मैंने बताया छाले होते हैं ना उन्हें ही हम लॉन्ड कहते हैं राइट लॉन्च मतलब होता है स्टार्टेड यानी शुरू करना किसी चीज़ को कैंपिंग मतलब प्लान uh, एक्टिविटी जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया था स्ट्रिंगजेंट मतलब स्ट्रिक्ट होता है एम पावर मतलब इनकेजेस होता है सर्वाइवर्स मतलब दोज हु कंटिन्यू टू लिव डिस्पाइट बींग क्लोज टू डेथ तो सर्वाइवर्स वो लोग होते हैं जो मरते मरते बच्चे होते हैं जो मौत के पास से आ जाते हैं आपने एक बहुत अच्छा ऑडियो सुना होगा मौत को टक से छू करके वापस आया तो दैट पर्सन इज द सर्वाइवर सो अपार्ट फ्रॉम दिस हम चलते हैं सीरियसनेस की तरफ और सबसे पहले हम मीनिंग्स कंटिन्यू करते हैं और लिटिगेशन लिटिगेशन क्या होता है प्रोसेस ऑफ फाइटिंग अ केस इन अ कोर्ट है ना तो ये लिटिगेशन फ़ाइल हुआ था लिटिगेशन फ़ाइल करना होता कहते हैं या किसी भी कोर्ट केस को फाइल करना मतलब लिटिगेशन फ़ाइल करना कंजम्पन कंजम्पशन मतलब ईटिंग और ड्रिंकिंग समथिंग कंज्यूम करना कैर किनोजेनिक मतलब होता है सब्सटेंस दैट कैन कॉज कैंसर है ना तो ऐसे सब्सटेंस जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं जेनेटिक मतलब होता है रिलेटेड टू जीन्स और स्ट्रीम मतलब होता है रश टू अ प्लेस इन लार्ज नंबर्स नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द कंप्रिहेंशन पार्ट ऑफ दिस लेसन क्वेश्चन इज़ वॉट डिफिकल्टीज माई मिस्टर शर्मा फैमिली हैव सफर्ड बिकॉज ऑफ इज इलनेस तो ये क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम अराइज हुई थी मिसर शर्मा की फैमिली में जब वो बीमार थे तो एज यू ऑल नो दैट मिस्टर शर्मा वॉज सफरिंग फ्राम कैंसर एंड इट्स ट्रीटमेंट इज़ लिटिल बट एक्सपेंसिव राइट एंड सबसे बड़ी बात थी वॉज सफरिंग फ्राम कैंसर एंड ये जो ट्रीटमेंट थी जो एक्सपेंसिव तो थी लेकिन ट्रॉमेटिक भी थी इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी थे हिज इलनेस माइट हैव ब्रोकन द फैमिली बोथ ऑन मोनिटरी एस्पेक्ट एंड द इमोशनल एस्पेक्ट है ना दे माइट हैव फेस सो मेनी डिफिकल्टीज Have also find it difficult to fulfil their basic needs. and basic needs the condition would have been even worse if he would have been the only earning member of the family his daughter career would have also suffered बैडली uh, यहाँ पे आप जानते थे कि उनकी बेटी जो है वो कंप्यूटर कोर्स का एग्ज़ाम देने वाली थी उन्हीं समय उसी समय एक्चुअली उनको पता चला कि उनको फिर से एक और जो है सर्जरी uh, करानी है एट दैट टाइम ही वॉज सो सैड एंड ही डोंट वॉन्ट टू हर्ट और डिस्टर्ब हर डॉटर तो वो नहीं चाहते थे कि एट दैट टाइम उनका ऑपरेशन हो एंड ही आस्ट डॉक्टर की प्लीज़ क्या एक महीने बाद हो सकता है तो इस तरीके के सिचुएशन से जो है मिस्टर शर्मा की फैमिली और वो गुजर रहे थे ना सेकेंड क्वेश्चन इज लिस्ट लिस्ट द एक्टिविटीज़ कैरिड आउट अंडर द कैम्पेंग कॉल बॉयस ऑफ टोबैको विक्टिम्स। इसमें आपको ऐसी एक्टिविटीज को लिस्ट करना है जो कि इस कैंपेन के अकॉर्डिंग की गई थी या उसके अंदर रखी गई थी हम कह सकते हैं तो विक्टिम्स आर जो विक्टिम्स थे उनको किस तरीके से लिया गया था दे द कैंसर सर्वाइवर्स वो क्या कर रहे थे अपनी स्टोरीज को बता रहे थे और लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे और पॉलिसी मेकर को भी इन्फ्लुएंस कर रहे थे ताकि वो इस तरीके से पॉलिसी बनाएँ कि टोबैको का कंजम्शन डे बाई डे जो है कंट्रोल कर सके या ख़त्म कर सके ठीक है ये और एक चीज़ को एडवोकेट कर रहे थे ताकि गुटका पान मसाला को ये लोग बैन कर सके और लोगों के तबैक् चिंग पर बैन लगा सके या रोक लगा सके और वो प्रेशराइज़ भी साथ में कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ताकि इन चीज़ों की जो मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ से लेकर के उनके सेलिंग में जितने लोग लगे हुए हैं उन सारी चीजों को इंक्लूडिंग टोबैको प्रोडक्ट सारी चीजों पर बैन लगाया जाए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ही इज इन अ लॉट ऑफ पेन बट इज चिल्ड्रन एंड आई आर इन इवन मोर पेन हु इज़ एंड हु इज आई तो जैसे कि मैंने एट द एंड ऑफ द लेसन आपको बताया था कि मिस्टर प्रदीप कुमार शर्मा और 52 टू ईयर ओल्ड कोल्ड फील्ड एम्प्लॉय फ्रॉम मध्य प्रदेश ये एक पेशेंट थे तो यहाँ पर ही जो हैं वो यही पेशेंट का को बताया जा रहा है एंड ही इज अ कैंसर पेशेंट या कैंसर सर्वाइवर हम कह सकते हैं एंड आई इन द अबव लाइन इज हिज़ वाइफ मिसिज दुर्गा शर्मा जो हमने लास्ट लाइन में पढ़ा था राइट नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ये है इस लेसन का कि विच लाइन इन द लेसन सजेस्ट दैट अ पर्सन सफरिंग फ्राम माउथ कैंसर कैन पास ऑन द डिस टू हिस और हर चिल्ड्रेन तो यहाँ पर क्लियर लाइन ली गई थी कि जो ये बताती है कि जो है एक जेनेटिक इर uh, रिवर्सिबल वाली जो लाइन हमने पढ़ी थी जो कि आप स्क्रीन पर दे सक देख सकते हैं जो जेनेटिक रिवर्सिबिलिटी वाली लाइन हमने रीड की थी वो लाइन ये बताती है कि ये जो आगे चल कर, कर के उनके जीन्स में आने वाले बच्चों में या जो उनके आगे आने वाले बच्चों में भी ये क्या कर सकते हैं ये एक तरह के प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकते हैं या कैंसर के जो विषाणु हैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या मूव करा सकते हैं हम कह सकते हैं ओके हाउ इज़ गुटका पॉपुलराइज अमंग द यूथ तो गुटका इज़ पॉपुलराइज अमंग द यूथ एज अ माउथ फ्रेशनर ठीक है वो एज अ माउथ फ्रेशनर है और सबसे बड़ी बात इसकी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी से होती है और इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है कि इवन दो दिस प्रोडक्ट इज अनहेल्दी देन ऑल्सो पीपल आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट एंड दे ऑफ़ बाइंग सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड टू कंज्यूम सच काइंड सो इन दिस वे वी हैव कम्पलीटेड द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिससन लेट्स मूव टूवर्ड दकेबली पार्ट ऑफ दिस लेसन ओके

कदम रिप्लेस uh, करेंगे कंज्यूम से तो कैसे करेंगे यू मस्ट स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर वाटर राइट तो इसी वे में हमको बाकी के सेंटेंसेस सेंटें बनाने हैं आइए चलिए हम बाकी के सेंटेंसेस को भी बनाने की कोशिश करते हैं फर्स्ट सेंटेंस ऑन योर स्क्रीन लिखा है हंड्रेड ऑफ व्हीकल्स आर मूविंग इन लार्ज नंबर टू द किसन मेला यहां पर मूविंग इन लार्ज नंबर का राइट और ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्ट्रीम तो मूविंग इन लार्ज नंबर को हम स्ट्रीमिंग से रिप्लेस कर सकते हैं और ये सेंटेंस कुछ इस तरीके का होगा कि हंड्रेड्स ऑफ व्हीकल्स आर स्ट्रीमिंग टू वर्ड्स द किसन मीला नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट सेंटेंस वी कैन से आई डो नॉट ईट गुड का बिकॉज सम ऑफ द इन्ग्रीडियंट इन इट कैन कॉज कैंसर और ब्रैकेट में आप देख रहे हैं कार्किनोजेनिक तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि आई डू नॉट ईट गुटका बिकॉज सम ऑफ द इंग्रीडियंट्स इन इट आर लिखने के बाद कार्किनोजेनिक आप लिखेंगे फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखें हम तो नेक्स्ट सेंटेंस इज दुलेश्वरी वॉज द ओनली वन हु केम आउट सेफ फ्रॉम द प्लेन क्रैश ब्रैकेट में लिखा है सर्वाइवर और आप देख सकते हैं कि किस पार्ट को किस बोल्ड पार्ट को हमको रिप्लेस करना है तो वन हु केम आउट को हम कर सकते हैं सर्वाइवर में चेंज ठीक है या सर्वाइवर से रिप्लेस तो अब इस सेंटेंस को बनाएंगे दलेश्वरी वॉज द ओनली सर्वाइवर ऑफ द प्लेन क्रैश राइट आगे बढ़ते हैं स्कूल विल बिगिन अ कैम्पेंग अगेंस्ट अल्कोहलिज्म इन जुलाई तो यहाँ पे लॉन्च दिया गया ब्रैकेट में तो आप लिखेंगे स्कूल विल लॉन्च अ कैम्पेंग अगेंस्ट अल्कोहलिज्म इन जुलाई नेक्स्ट लाइन है द प्रिंसिपल हैज़ अनाउंस्ड दैट सीवियर पनिशमेंट विल बी गिवन टू दोज नॉट फॉलो द स्कूल रूल्स और यहाँ पे एक वर्ड दिया है स्ट्रिंजेंट तो सिंपल है सीवियर को क्या कर लेंगे आप सीवियर या स्ट्रिक्ट राइट तो स्ट्रिंजेंट से उसको रिप्लेस कर देंगे तो प्रिंसिपल हैज अनाउंस्ड दैट स्ट्रिक्ट पनिशमेंट विल बी गिवन और स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट विल बी गिवन टू डू नॉट फॉलो द स्कूल रूल्स ओके नेक्स्ट टाइम द गवर्नमेंट हैज़ गिवन वुमेन द राइट एंड फ्रीडम टू वर्क इन द मोस्ट चैलेंजिंग पोजिशन इन द मिलिट्री और यहाँ ब्रैकेट में आप देख सकते हैं एम्पावर लिखा हुआ है राइट right? तो यहाँ पे हम किस तरीके से लिखेंगे एम्पावर्ड कर देंगे गिवन की जगह क्या लिख देंगे एम्पावर्ड है ना तो गवर्नमेंट हैज एम्पावर्ड वुमेन राइट एंड फ्रीडम टू वर्क इन द मोस्ट चैलेंजिंग पोजिशन इन द मिलिट्री सेवेंथ जो स्टेटमेंट है वो कहता है द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज डूइंग planned activities for spreading the awareness of the need for planting trees. तो यहाँ पे campaign से इसको क्या करना है replace करना है तो आप किस तरीके से लिखेंगे Yes, the forest department is campaigning for spreading the awareness of the need for planting trees. मतलब जितना bold part है उस पूरे को campaigning से replace कर देंगे है ना लास्ट वन अ टाइम्स द ओनली सिम्टम ऑफ कैंसर दैट अ पेशेंट रिपोर्ट इज हार्ड ग्रोथ ऑफ फ्लश राइट तो इसे लंप से करना है तो बिल्कुल हार्ड ग्रोथ की जगह आप लंप लिख लीजिए और सेंटेंस बना लीजिए तो आंसर क्या होगा मेनी अ टाइम्स द ओनली सिम्टम ऑफ कैंसर दैट अ पेशेंट रिपोर्ट इज अ लंप ऑफ

तो सबसे पहले इसको एग्जांपल से समझते हैं एक सेंटेंस लेते हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इन सितंबर 2010 महादेव प्रसाद शर्मा अ पोटैटो एंड अनियन वेंडर फ्रॉम द ईस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ बिहार यहां पे अ पोटैटो एंड अनियन वेंडर फ्रॉम द ईस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ बिहार आपको बोल्ड में दिख रहा है अब यहां पे जो है ये जो स्टेटमेंट है ये एक फ्रेज की तरह यूज हुआ है। अब इस स्टेटमेंट को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। 2010, Sharma, Bihar, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप का हुआ है राइट right? और आगे का जो सेंटेंस है विद अ विदेट फॉर फोर्थ मंथ उसमें कॉमा लगा है। तो इस एग्जाम्पल से आप अगर समझने की कोशिश करें कि कभी भी इन फ्रेजेस को जब हम हु व्हिच दैट दोज एटसेट्रा या कॉमा से हम आगे और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं तो जो पहले फ्रेजेस यूज हुए थे जिस तरीके से मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट रखा था वो कहलाते हैं रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज ओके आइए अब इसको ही समझते हुए हम जो है आगे चलते हैं और उसको डिटेल में हम एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया है अंडरलाइन द रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज रीराइट देम आफ्टर एक्सपेंडिंग देम इनटू रिलेटिव क्लॉजेस यू मे बिगिन द रिलेटिव क्लॉजेस विथ हू और व्हिच तो यहाँ पे आपको क्या करना है सेंटेंसेस में रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉसेस को अंडरलाइन करना है फिर उस

तो ये जो है relative clause है। अगर अगर हम इसे expanded form में लिखते राइट तो, इस लिख तो, right? तो यहाँ पे विच का यूज हमने किया है विच ही लास्ट वन ईयर है ना तो विच एड करके हमने एक्सपैंड रिलेटिव क्लॉज में इसको कन्वर्ट कर दिया सेकेंड फिर से एक एग्जाम्पल लिखते हैं देख रहे हैं हम द बॉय टॉकिंग टू माई मदर इज हर क्लास फेलो है ना तो यहाँ पे टॉकिंग माई डॉटर द बॉय टॉकिंग डॉटर में टॉकिंग टू माई डॉटर जो है ये एक रिलेटिव क्लॉज है यहाँ पे हम यू का यूज करके उसको एक्सपैंडेड रिलेटिव क्लॉज में कन्वर्ट करेंगे को, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे द बॉय लिखेंगे देन हम कॉमा लिखाएंगे और उसके बाद लिखेंगे हु इज इज टॉकिंग टॉकिंग टू टू डॉटर डॉटर के बाद अगेन एक कॉमा लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे इज हर क्लास फेलो थर्ड सेंटेंस देखते हैं द पर्सन ड्रैक्ड बाय द पुलिस इज द किलर है ना तो यहाँ पे ड्रैक्ड बाय द पुलिस जो है ये रेड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज है यहाँ अगेन कॉमा के साथ लगेगा फिर एक कॉमा लगेगा जैसे कि ऊपर वाले सेंटेंस में लगा था तो इसको लिखते हैं चलिए एक्सपेन्डेड रेड्यूस्ड क्लॉज में सॉरी एक्सपेंडेड रिलेटिव क्लॉज में तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं द पर्सन कॉमा बाय द पुलिस फिर एक कॉमा इज द किलर फोर्थ सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं द रोड क्लोज फॉर द रिपब्लिक डे परेड इज नाउ ओपन टू द पब्लिक ठीक है अब यहाँ पे क्लोज फॉर द रिपब्लिक डे परेड यहाँ हम कैसे लिख सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में इस रिलेटिव सॉरी इस रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज को हम लिख सकते हैं द रोड विच वॉज क्लोज फॉर द रिपब्लिक डे है ना तो रोड के बाद हम फिर से कॉमा लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे विच वॉस क्लोज फॉर द रिपब्लिक डे परेड नाउ ओपन टू दब्लिक स्पीडिंग बस इज एडमिटेड टू दॉस्पिटल तो हिट बाय द स्पीडिंग बस यहाँ पे आपको फिर समझ में आ रहा है कि हु यूज कर सकते हैं तो हम किस तरीके से लिखेंगे द साइक्लिस्ट के बाद कॉमा लगाएंगे फिर लिखेंगे

क्या कर सकते हैं विच लगा करके एक्सपेंडेड रिलेटिव क्लॉज में कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसको फिर से किस तरीके से लिखेंगे द इंग्लिश टेक्स्ट बुक कॉमा विच वाज प्रिस्क्राइब फॉर टेन इयर्स इयर्स के बाद कॉमा लगाएंगे फिर हैज एट लास्ट बीन रिवाइज ठीक है सेवेंथ सेंटेंस अगेन आ रहा है द डेस्क नेक्स्ट टू यू इज ब्रोकन नेक्स्ट टू यू है ना तो अगेन ये रेड्यूज रिलेटिव क्लॉज है तो यहाँ लिख सकते हैं द डेस्क यहाँ पे विच वॉज नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ इज ब्रोकन लिखा है तो विच इज होगा ठीक है तो यहाँ आपको लगाना है इज इज नेक्स्ट टू यू ब्रोकन सेंटेंस है द सीट रिजर्व फॉर द चीफ गेस्ट इज लाइंग तो यहाँ पे रिजर्व फॉर द चीफ गेस्ट है रेड्यूज रिलेटिव क्लॉज अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं जिसमें एक्सपेंडेड रिलेटिव क्लॉज में तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे द सीट के बाद कॉमा लगाएंगे फिर व्हिच वाज रिव व्हिच वाज रिजर्वड फॉर द चीफ गेस्ट फिर कॉमा लगाएंगे इज लाइंग वीकेंड तो इस तरीके से हमने रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज को एक्सपेंडेड रिलेटिव क्लॉज में बदलना सीखा आई होप यू अंडरस्टैंड द ग्रामर पोर्शन ऑफ दिस लेसन ओके थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग एक्सप्लेनेशन एंड एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन ओके हम अगले लेसन में फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे टिल देन टेक केयर बाय बाय